बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन के ऊपर से कौन कौन से सिस्टम एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल्ड हैं। तो आज की वीडियो इस बारे में है कि किस तरीके से सिस्टम एप्लीकेशन जो कि आपने अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल किए हैं उनको रीइंस्टॉल करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कोई ऐसी सिस्टम एप्लीकेशन रिमूव कर देते हैं जो कि आपके सिस्टम के फंक्शन के लिए एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, बाद में वो कह रहे होते हैं कि मेरा ये फीचर काम नहीं कर रहा या मेरा जो फ़ोन है वो बार बार क्रैश कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पता किस तरीके से लगा सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी सिस्टम ऐप्स जो है वो रिमूव्ड हैं और फिर उन सिस्टम ऐप्स को आप रीस्टोर यानी कि दोबारा मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं। तो रिसेंटली मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था अपने किस तरीके से डिजिटल वेलबीइंग को हम वापस ला सकते हैं अगर मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि को चेक करने का तरीका क्या है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इन योर ऐप मैनेजर की। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि सिस्टम ऐप पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अनइंस्टॉल। अब आपने क्या करना है, इन योर ऐप मैनेजर को जो है वो ओपन कर लेना है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हैं, ये दो आपके लिए ऑप्शन जो है वो जरूरी है, एक डिसेबल्ड वाला है ये वाला ऑप्शन और दूसरा है अनइंस्टॉल्ड वाला ये वाला ऑप्शन। तो हम इन दो ऑप्शंस के अंदर ही रहेंगे। तो अगर आप डिसेबल्ड में आते हैं तो वो सारी ऐप्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी जो है डिसेबल करके रखी हुई हैं। अनइंस्टॉल्ड में आते हैं तो ये 54 वो वाली ऐप्स हैं जो कि मैंने अपने फ़ोन के अंदर से अनइंस्टॉल करके रखी हैं। इन ऐप्स को रीइंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं और मैं रेफरेंस के लिए कोई एक ऐप इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको रीइंस्टॉल किया जा सकता है। तो जो कमेंट में मुझसे पूछा गया है वो ये है कि डिजिटल वेलबीइंग की ऐप को हम किस तरीके से वापस ला सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि इसकी जो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है उसको ओपन कर लेना है यहाँ से क्लिक करके। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे ऐप हैं। तो आपने स्क्रोल नीचे करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टोर्स नज़र आएंगे जिनके ज़रिए आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। देख लेना है कि कौन सी ऐप जो है वो अवेलेबल हो सकती है कौन से स्टोर पे। तो क्योंकि ये गूगल की अपनी ऐप है तो ये देख सकते हैं com.google.android.apps.wellbeing, तो ये गूगल प्ले स्टोर पे ही अब जो है हमें मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो गूगल प्ले स्टोर ओपन हो गया, हम इसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कोई भी आप गूगल प्ले स्टोर से नॉर्मली ऐप जाके इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसी तरीके से ये इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी तरीके से ये वापस भी आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगी और इसकी फंक्शनैलिटी वही रहेगी जो कि एक नॉर्मल सिस्टम एप्लीकेशन की होती है और ये वर्क ऐसे ही करेगी जैसे नॉर्मल आपकी कोई भी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर से आप जो इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसको आप इंस्टॉल करते हैं। तो और हम जाके सेटिंग में देख लेते हैं कि हमारे पास डिजिटल वेलबीइंग आई है ही नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिजिटल वेलबीइंग हमें शो होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन के ऊपर डिजिटल वेलबीइंग या कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ख़त्म हो जाएगी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो इसी तरीके से कोई भी और ऐप जो कि आप जो है ना उसके अंदर रीइंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसको रीइंस्टॉल करवा सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी जो एप्लीकेशन है वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाए। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं आइटम नॉट फाउंड, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगी तो उसका क्या आपने हल करना है, उसका हल मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसी ऐप ढूंढते हैं जो कि हमें गूगल प्ले स्टोर पर ना मिले और फिर हम जाके, तो ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्मार्ट पैनल। तो जो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर ना मिले तो आपने गूगल में जाके कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लें, उसमें जाके आपने इसको सर्च कर लेना है और इसको रीइंस्टॉल कर लेना है। तो ये मैंने स्मार्ट पैनल जो है जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली ऐप जो है जाके अपने वेब ब्राउज़र में सर्च की है और सर्च करने के बाद यहाँ से मैं अभी इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये नॉर्मल जैसे आपकी कोई भी और सिस्टम एप्लीकेशन है उस सिस्टम एप्लीकेशन की तरह चलेगी भी और ये इंस्टॉल होकर बिहेव भी सिस्टम एप्लीकेशन की तरह ही करेगी। तो इस तरीके से आप जो है वो सिस्टम एप्लीकेशंस को रीइंस्टॉल कर सकते हैं और दोबारा इसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने का तरीका जो है वही है जो मैं मल्टीपल वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन है उसको रीइंस्टॉल आप किस तरीके से करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और मज़ीद इस जैसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।